हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। आज की वीडियो में अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के, ठीक है, देखते हैं तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो उसकी बॉडी का जो मोमेंटम होता है उसके जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन द फोर्स एक्ट्स। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, अब मोमेंटम में चेंज होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो क्या लिख दिया हमने, एम वी माइनस एम यू, तो एफ इक्वल टू एम वी माइनस एम यू ओवर टाइम टेकन, टाइम टेकन ओवर टी। ठीक है, एफ एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो वी माइनस यू बचेगा और नीचे कहता है टाइम, तो वी माइनस यू ओवर टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था पहले मोशन में, एक्सेलरेशन का, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम क्रॉस ए। हम वी माइनस यू ओवर टी को क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आता है द रिलेशन एफ इक्वल टू एम क्रॉस ए कैन बी टर्न बाय द इक्वेशन ऑफ पुटिंग द कॉन्स्टेंट। अब हम इसमें कॉन्स्टेंट पुटिंग करके कॉन्स्टेंट पुट करके एक फॉर्मूला आ जाता है, एफ इक्वल टू के क्रॉस एम क्रॉस ए, सही यूनिट क्या होती है वन, तो एफ इक्वल टू एम क्रॉस ए हो जाता है क्योंकि अगर हम के की जगह पर वन रखेंगे तो एम क्रॉस ए आ जाएगा। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू फोर्स, एम इक्वल टू मास, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से अगर हमें किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक्सेलरेशन निकालो इसकी, आपका भले ही एमसीक्यू से आ रहा है बट आपके एमसीक्यूज में भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं छोटे 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 छोटे। कैसे आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके उस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया व्हाट इज द मोमेंटम, आपको नीचे चार आंसर दिए हुए हैं तो आपको फॉर्मूला, तो आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। ऐसे इसमें आपसे अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स ओवर मास, तो एक्सेलरेशन अगर ए इधर जाएगा तो एफ ओवर एम, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है बॉडी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास की। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, अगर बॉडी का जो मास है वो डबल होगा तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो हाफ होगी। बॉडी का मास डबल तो एक्सेलरेशन कितनी, हाफ, और मास ऑफ द बॉडी इज हाफ, और जब बॉडी का जो मास होगा वो हाफ होगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, डबल होगी। अब आता है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स की जो एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड डिनोटेड बाय एन। न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपका यहाँ से भी एक एमसीक्यूज बन जाएगा, आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे देंगे इन विच सिंबल न्यूटन इज डिनोटेड, तो आपको नीचे सिंबल दे दिए होंगे न्यूटन, न्यूटन इनवर्स, तो आपको न्यूटन टिक होने हो, आप न्यूटन टिक कर दोगे, आपको आता होगा। तो इसकी वजह से आपको चैप्टर पढ़ना जरूरी है एमसीक्यूज के लिए, आपको खाली एमसीक्यूज पढ़ कर काम नहीं चलेगा, तो आपको चैप्टर भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अ न्यूटन इज दैट फोर्स विच वेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास वन किलोग्राम, न्यूटन वो फोर्स है जो किसी बॉडी पर जाती है तो उसका मास क्या होता है, वन किलोग्राम, प्रोड्यूस मास वन किलोग्राम, और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम, जब हम इसमें पुट करेंगे तो वन न्यूटन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन किलोग्राम इंटू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन न्यूटन का फॉर्मूला। आफ्टर वेन द फोर्स अप्लाइड एफ इज जीरो, जब फोर्स जो हमने अप्लाई किया तो एफ फोर्स जो अप्लाई होगी वो जीरो होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ऑब्वियसली जीरो की अगर वो मूव ही नहीं करेगी तो उससे एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा। एंड द बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स टू अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें किस में रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, फोर्स में और एक्सेलरेशन में, एफ में और ए में। ठीक है, अब आता है द नेगेटिव साइन कम्स विद द फोर्स, अगर फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो इट विल इंडिकेट दैट द फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो क्या हमें शो कर रहा है, फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन सेकंड लॉ की कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, अब क्रिकेट बॉल को कैचिंग कैच करने की, अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो अपने हाथों को जब बॉल लेता है तो पीछे की तरफ क्यों कर लेता है, इसके हम समझते हैं। ठीक है, जब वो अपने हाथ उसके ऐसे स्ट्रेट है, जब बॉल आ रही है फास्ट, बॉल फास्ट आ रही है तो उसके पास क्या होगा, लार्ज मोमेंटम होगा, लार्ज मोमेंटम जब हम उसे ऐसे कैच करेंगे तो हमारे हाथों को जो हो गया उसका मोमेंटम अचानक से जीरो हो जाएगा, हमारे हाथों में अगर रुक जाएगी तो हमारे हाथों क्या कर देगी, हर्ट कर देगी, मतलब हमारे हाथों में लग जाएगी उससे,
बट अगर हम उसी बॉल को फास्ट आ रही है उस बॉल को ऐसे करते करते थोड़ा टाइम लेकर अगर हम उसको पीछे जाकर कैच करते हैं तो उसमें जो टाइम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मीन्स उसका जो मोमेंटम होता है वो लार्ज मोमेंटम होता है, उसको जीरो होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, रिड्यूस हो जाता थोड़ा टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाइट को हर्ट नहीं होता। सेकेंड द केस ऑफ हाई जंपर, अब हाई जंपर के केस में कैसे, ड्यूरिंग एथलीट मीट अ हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर अ हीप ऑफ सैंड और अ ग्राउंड ऑफ फॉल। जब हाई जंप से जब एथलीट जो होते हैं वो जंप करते हैं तो नीचे या तो सैंड होती है या फिर क्या होता है ग्राउंड होता है जिसके ऊपर वो जंप कर सके, इसको कैसे जब उनके जब वो ऊपर से जंप करते हैं तो उनके पास ये होता है हाई मोमेंटम होता है, जब वो हाई मोमेंटम अगर वो सिंपली ग्राउंड पर करेंगे तो उनका हाई जो मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा, लार्ज मोमेंटम होगा रिड्यूस टू जीरो बहुत शॉर्ट टाइम में, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग सकती है, जिसकी वजह से हम वो उधर सेंड को करते हैं। एंड में जब वो खिसड़ते जाते हैं मीन्स सरकते जाते हैं तो उनको जो मोमेंटम होता है वो जीरो होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से उनकी चोट नहीं लगती है। थर्ड, यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार। इन दीज डेज ऑल द कार आर प्रोवाइडेड सीट बेल्ट फॉर पैसेंजर टू प्रिवेंट इंजरीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब सीट बेल्ट क्यों प्रोवाइड की जाती है, सीट बेल्ट इसलिए प्रोवाइड की जाती है अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप एकदम से आगे चले जाओगे, एकदम से आगे चले जाओगे तो आपके सिर में लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, बट जो सीट बेल्ट होती हैं वो आपका मोमेंटम को जीरो करने की थोड़ा टाइम जो होता है वो इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको या तो चोट नहीं लगती या लगती भी है तो सीट बेल्ट की मदद से आपकी वो चोट जो होती है वो कम लगती है। तो ये एग्जाम एप्लीकेशन थी न्यूटन सेकेंड लॉ की। अब आते हैं क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 m/s² इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। क्या फोर्स होगी जब उसकी एक्सेलरेशन है 4 m/s² और उसका मास कितना है 6 kg। तो मास कितना है यहाँ पे 6 kg और एक्सेलरेशन कितनी है 4 m/s². तो एफ का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू एम ए, एम कितना 6 और ए कितना हो जाएगा 4, तो 24। हमने फोर्स के पीछे यूनिट क्या पढ़ी थी, ऐसा यूनिट न्यूटन, ये क्या हो जाएगा फोर्स इक्वल टू 24 न्यूटन। स्केट्स पहना हुआ है वो, अब वो वॉल पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है वॉल को पीछे करने के लिए, तो वॉल भी उस पर फोर्स लगाएगी, मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही हमें फोर्स मिल जाएगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वॉल पर फोर्स लगाएगा तो वो खुद पीछे हो जाएगा क्योंकि वॉल उस पर भी फोर्स लगाएगी, वही चीज है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू फोर्स एग्जर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी टू सेकंड बॉडी, फोर्स जब हम एग्जर्ट करते हैं पहली बॉडी से दूसरी बॉडी पर उसे हम कहते हैं एक्शन, एंड द फोर्स एग्जर्ट बाय द सेकंड बॉडी टू द फर्स्ट बॉडी जो दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पर करते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्शन। मतलब मैंने दीवार पर किया वो एक्शन और दीवार ने मेरे पर किया वो रिएक्शन। Some examples to illustrate Newton third law of motion. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। हाउ टू वी वॉक, अब हम वॉक कैसे करते हैं, ठीक है हम ग्राउंड पर चल रहे हैं, ग्राउंड पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड हम पर फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड पर हम फोर्स लगाएंगे तो ग्राउंड को पीछे करते जा रहे हैं, ग्राउंड हम पर फोर्स लगा रहा है तो हम आगे होते जा रहे हैं, तो ग्राउंड पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा और ग्राउंड जब हम पर फोर्स लगाएगा हम फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है तो हम ऐसे वॉक कर पाते हैं। और आता है हम स्लिपरी ग्राउंड पर, अब आइस है, अब आइसी ग्राउंड पर वॉक करना मुश्किल क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है, जिसकी वजह से बैकवर्ड एक्शन और फॉरवर्ड एक्शन रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी मुश्किल से हो पाती है। अब थर्ड एग्जांपल आता है स्विमर, स्विमर जब पानी के अंदर वो स्विमिंग करता है तो वो पानी को पीछे की तरफ करता जाता है, अब जब वो पीछे की तरफ करता है तो वो अपने हाथों से वाटर को बैकवर्ड कर रहा है और वाटर उस पर फोर्स लगा रहा है वो फॉरवर्ड जा रहा है। आप स्विमिंग करते हो, जब भी आप में से कुछ लोग जो होंगे वो करते होंगे, तो आप जब ऐसे ऐसे करते हो तो आप वाटर को पीछे बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हो, वाटर आप पे आगे फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो ये था एग्जांपल हाउ डू वी वॉल्क, हाउ डू वी स्विम, हाउ डू वी वॉल्क इन आईसी। इसके अंदर ये तीन एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैंने वो लिखे नहीं थे यहाँ पर। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस विल बी मोर इन द बॉडी हैव लेस मास, एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है बॉडी पर जिसका लेस मास हो उस पर एक्सीलरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जिसका जो मास है वो ज्यादा है मोर मास होता है उस पर जो एक्सीलरेशन होता है वो लेस होता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा व्हाई द गन रिकॉइल्स, जब जो गन होती है जब हम उसे शूट करते हैं तो गन से जो बुलेट होगी वो बाहर निकलेगी, जब गन से बुलेट जो होगी वो बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने पर वो जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे उसके नीचे जब हम उसको दबाते हैं तो गन जो होगी वो बाहर निकलेगी। अब वो बैकवर्ड लगा और वो जो गन हम चला रहे हैं वो गन भी पीछे की तरफ आ जाती है, मतलब वो जर्क कर जाती है, तो
every action there is equal and opposite reaction. थर्ड वाला फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट. अब जेट एरोप्लेन और रॉकेट का कैसे होता है, तो जो फ्लाइंग जो जेट होते हैं जेट के नीचे बहुत एक तो जो जेट होते हैं उसके नीचे बहुत हाई गैसेज और फ्यूल होता है. तो जब वो फ्यूल जब वो नोजल होती है बैक एंड पर वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है वो ऊपर की तरफ और जो जेट होता है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है. तो एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जो फ्यूल था उसने उस पर लगाया तो वो जब वो उस पर लगाएगा जेट पर तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ वो चला जाता है. ठीक है, दोनों ही ऐसे काम करते हैं जेट एंड एरोप्लेन एंड रॉकेट. ठीक है, जेट एरोप्लेन और रॉकेट वर्क्स इन द सेम प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. फोर्थ आता है द केस ऑफ बोट एंड द शिप. अब बोट और शिप की केस में कैसे, ठीक है बोट है, अब बोट की जो दोनों तरफ जो पैडल्स होते हैं उससे हम फोर्स लगाएंगे पीछे की तरफ. तो जो बोट की जो वो होते हैं पैडल्स वो वाटर को बैकवर्ड करेंगे तो वाटर हमारे ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा तो हम क्या होंगे आगे चले जाएंगे. बोट हमारी आगे जाएगी वाटर जाएगा पीछे. एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक एग्जाम्पल भी है इसके अंदर, व्हेन द मैन जंप्स आउट द बोट इन द बैंक ऑफ रिवर बोट मूव्स बैकवर्ड फॉर मैन. जब मैन जो होगा वो बोट पर फोर्स लगाएगा तो बोट जो होगी फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी. केस ऑफ हॉर्स पाइप एंड सिक्स्थ आता है द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट. इन दोनों में भी सेम ही चीज आ जाएगी आपका बैक टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हॉर्स जो होगा वो आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और वो ग्राउंड जो होगा पीछे की तरफ जिसकी वजह से वो कार्ट होती है वो मूव करना शुरू कर देती है. उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट. जब दो बॉडीज एक दूसरे पर एक्ट करती है तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स हो अप्लाई ना करें. ठीक है, अब आता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. एक ट्रक है और एक कार है, उसका मास ट्रक का मास है m1 और वो मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से. कार उसका मास है m2 और वो मूव कर रही है u2 वेलोसिटी से. तो इनिशियल क्या हो जाएगा बिफोर कोलिजन, जब तक वो टकराया नहीं है तो m1 u1 प्लस m2 u2. आफ्टर कोलिजन क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 जो इनिशियल है फाइनल में चेंज हो जाएगी. मैंने आपको पूरा डेरिवेशन इसका इसलिए नहीं कराया क्योंकि क्या वो MCQs में आपका डेरिवेशन तो आएगा नहीं, इसकी वजह से मैंने आपको कराया नहीं. बट जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने करा दिया, बिफोर कोलिजन क्या होता है आफ्टर कोलिजन क्या होता है. एक बार आप डेरिवेशन को अपनी बुक में देख जरूर लीजिएगा बट मैंने वो अभी नहीं कराया. m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. इन दोनों चीजों को याद कर लीजिएगा, ये आपसे MCQs में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है तो इसको याद कर लीजिएगा. आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन. अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.